शो मस्ट गो ऑन, है ना। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज है जुम्मा, सबको जुम्मा मुबारक। और मेरी जोया का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, फाइनली थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो मैंने आज मेरा काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी है, यहाँ आई हूँ आंटी के घर में, बिकॉज वहाँ पे बहुत शोर था घर पे, अनाया बहुत आवाज़ें कर रही थी, टीवी ऑन था, तो मैं यहाँ आई, थोड़ा सुकून मिला है मुझे, तो मैंने यहाँ पर आकर थोड़े बहुत प्रमोशन किए। आप देख सकते हो ये मेरे प्रमोशन का पार्ट है। यहाँ पे मुझे पिन्स आए हैं, बहुत सारे हिजाब पिन्स, बहुत प्यारे प्यारे पिन्स आए हैं। ये स्क्रंची आई है और ये जो हिजाब है ना, ये भी आया है, इसके नीचे मैंने ऐसे रखा है ये वाला हिजाब। और ये जायनमाज भी मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, बहुत प्यारी जायनमाज आई है और मैंने इनका पेज मेंशन किया है, रील्स पर अपलोड किया है, स्टोरी पर अपलोड किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं इनके पेज पर। और हिजाब के पिंस जो है उसको अभी मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे पेज पर जाकर देख सकते हो सारी चीज़, तो आप उनको DM करके ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये जो है ना, इसका थोड़ी अलग है ये जायनमाज, कुशन लगा हुआ है अंदर इसके, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो दुपट्टा है ना, वो इन्होंने दिया है, इनका पेज है सिनकाफ, आप जाकर इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है दुपट्टा भी, नमाज का दुपट्टा है, बहुत प्यारा है, रेयन कॉटन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें ना बबलिंग्स भी नहीं आने वाली है। और ये जो है, ये मुझे ये ट्रैवलिंग जायनमाज भी भेजी है, और ये अभी मैंने इतना प्रमोशन किया है ना, तो मुझे मेरा गला सूख रहा है। तस्बीह भेजी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास भी, आप लोग जाइए। और क्वालिटी वाइज लोगों को मैं दिखा, ट्रैवलिंग जायनमाज जो है, ये बैग है ऊपर का और अंदर ये छोटी सी जायनमाज है, छोटी सी मतलब लेंथ काफ़ी बड़ी है, बट बहुत छोटी सी इसका फोल्ड होता है, तो आप लोग कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो, आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। सो मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम फैमिली को बता दिया, यूट्यूब फैमिली को भी बता देती हूँ, ताकि अगर आप ये जायनमाज ऑर्डर करें और इस पर नमाज़ पढ़े, तो मुझे भी थोड़ी बहुत आप लोग दुआ देंगे। सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और ये जो दुपट्टा पहना है मैंने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो आप लोग जाइए आराम से, DM कीजिए उन्हें और उन्हें फॉलो भी कीजिए और ऑर्डर भी प्लेस कीजिए। और अब मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं सब पैकअप करके मैं अपने घर जा रही हूँ। चलो फिर उसके बाद क्या घर में चल रहा है, जोया मेरे ख्याल से सो गई होगी या फिर TV देख रही होगी, उसकी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, अब देखती हूँ मैं क्या हाल है घर में, तो चल। सो मैं घर आ चुकी हूँ और ये मैडम को तो अभी तक नहा ही नहीं है, चलो फटाफट नहा लो बेबी। और ये मैडम तो बहुत खुश है, आज एग्ज़ाम फाइनली हो गया, आज का पेपर कैसा, मुझे इससे बात भी करने को टाइम नहीं मिला, मैं वो आई और मैं प्रमोशन के लिए निकल गई, मम्मी है तो मुझे टेंशन नहीं है बच्चों के, फटाफट मैं अपना काम करके आ जाती हूँ, खाना बनाया मैंने, नमाज़ पढ़ी और भाग गई, और फिर ये आई तो फिर इससे बात ही नहीं हुई। कैसा गया पेपर? अभी फ़ोन लेके बैठ जाओगे है ना, कितने घंटे, थोड़ी देर सो जाओ फिर शाम में लेकर बैठो आराम से। और ये मैडम को नहलाओ शौर जी, ये अभी तक नहाई नहीं है, तेल लगा कर रखा था इसे, आज लेट उठी है, तो आराम से नहाएगी ये लड़की। इसको नहलाओ ना, देखो मेरे पास भी नहीं आई और मैं खाना बनाने में बिजी हो गई, आप भी नमाज को चले गए, फिर हो नहीं पाया आज, और मैंने आज दालचा खाना बनाया है, चलो फटाफट अभी खाना खाएंगे, और खाना भी नहीं खाया मैंने, ऐसे ही चली गई थी। अनु क्या बोलेंगे आप, सब बोल रहे आज जुम्मा है जाके नहा लो। अच्छा अभी सब बोल रहे नहा लो, ओके फ्रेश हो जाओ और फिर हमको, हमसे बात करो ठीक है, और क्या बोलेंगे शौर जी, बाकी सब तो बच्चे ने बोल ही दे दिया, हम क्या बोलेंगे, वही डायरेक्ट कैसे होता है। तो आज शौर जी को छुट्टी है, जुम्मा को छुट्टी रहती है ना, तो आज छुट्टी है, अभी देखो अभी आधा दिन तो निकल गया प्रमोशन में ही, अभी ये है
आज जरा खुशी है जरा के चेहरे पे, टेंशन खत्म। स्ट्रॉबेरीज खा रहे दो ना, मुझे भी भूख लग रही है। बहुत ज्यादा टेंशन था उसके पेपर को लेके, अभी खत्म हो गए। और अभी 28 तारीख से इनकी ऑफलाइन स्कूल चलेगी। ऑफलाइन स्कूल 8th स्टैंडर्ड, तो मतलब तू पास हो गई? रिजल्ट आना बाकी है अभी। तो उन लोगों ने प्रमोट कर दिए क्या? नोटिस भेजे उन लोग ने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब 28 तारीख से स्कूल चालू हो रही है 5th to 8th स्टैंडर्ड। ओके, तो दो बैचेस में पास हो गए मैं। अच्छा बेटा, अभी 8वीं से देखो, देखती मैं मार मार के पढ़ाऊंगी। 8th स्टैंडर्ड तो मैं ही पढ़ लूंगी। अच्छा चलो जाओ सो जाओ थोड़ा। मंडे को पेपर और अनु का भी खत्म नहीं हुआ है। मंडे को पेपर है, वेडनेसडे को पेपर है। चलो चलो स्टडीज करो और मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलती हूँ स्ट्रॉबेरी खाने के बाद। हेलो एवरीवन, एक्चुअली मैं वहाँ से आई, फिर खाना खाया मैंने और फिर उसके बाद छुट्टी नहीं कर पाई। बहुत सारे काम आ गए थे, थोड़े घर के काम, थोड़े कुछ ना कुछ आते गया और मैं भूलते गई। तो मैंने कहा जोया को, अरे जोया मैंने तो व्लॉग स्टार्ट किया था और एंड भी नहीं किया अब तक। और फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लोग 5 मिनट क्यों नहीं होता, आप लोग व्लॉग अपलोड किया करो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। एक्चुअली थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब ही चल रही है, आप सबको पता है मेरा गला ख़राब हुआ था, वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। एक्चुअली हमने ENT को दिखाया, स्पेशलिस्ट को, और उन्होंने मुझसे कहा कि 2 दिन की दवाई देंगे। मुझे ना एलर्जी हो गई है कुछ, तो 2 दिन की दवाई देंगे, उससे अगर आपको ठीक लगा तो ठीक है, वरना फिर मुझे एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन दवाई से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक्चुअली क्या होता था ना, मैं कुछ खा लेती थी ना, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होती थी और बहुत ज़्यादा खांसी होती थी और फिर वॉमिटिंग। क्या हुआ? सो ये हुई बात, यही चल रहा है। बस आप लोग दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। पता नहीं क्या एलर्जी हो गई है, कैसा मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, आई डोंट नो। बट देखते हैं, डॉक्टर ट्राई कर रहे, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास शौर जी ने लेकर गए थे मुझे, और 2 दिन में फ़र्क भी बहुत लग रहा है। सो जैसे भी है, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। बट शो मस्ट गो ऑन है ना, शो मस्ट गो ऑन। मतलब तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, मैं आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो, मुझे आप लोगों को बताना है सब कुछ। और आप लोगों का जो सब अच्छा, मेरी बात मैं कट करती हूँ, देखो पीछे क्या चल रहा है। जोया आज बहुत फ्री बैठी है, आप देख सकते हो 2 बज रहे और शोहर जी, अम्मी अब्बा दोनों, तीनों सो चुके हैं और मैं, अनाया और जोया यहाँ पर गाजर के हलवे की पार्टी कर रहे हैं। ये बच्ची ने ना मुझे पूरा, मतलब कि पूरा विंटर सीजन चला गया, पूरे गाजर का सीजन चला गया, मम्मा ने गाजर का हलवा बनाया ही नहीं। तो मैं बोली तुमने गाजर का हलवा बनाया ही नहीं, क्यों नहीं बनाया, मेरे को खाने में को अच्छा लगता है, मुझे चाहिए। एक्चुअली इस टाइम वेलकम बेबी, मुझे बनाना था एक्चुअली, बट मेरा काम इतना ज़्यादा और मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही थी, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वरना मैं गाजर का हलवा हर हफ्ते बनाती। एक्चुअली जब भी विंटर्स आता है ना, एटलीस्ट 5-6 बार गाजर का हलवा बनता है हमारे यहाँ पे, बट इस बार सो सॉरी बेबी। चलो अभी जितना है ना
दो तीन बार तुमको बना के खिलाऊंगी। अभी कैसे बनाई है तो बताओ। देखिए मैं एक बजे गाजर का हलवा बनाया और ये देखो चिटुकली आ गई। चिटुकली क्या बोलेंगे? चिटुकली गुड नाइट है तुम्हारे लिए। इसकी तो गुड मॉर्निंग हो गई है ना? नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग ही हो गया ना। हाँ, तो 2 बज गए हैं और हम लोग बैठे हैं गाजर का हलवा खाते। नींद नहीं आ रही है जोया तो। सोचो सुबह से उठी है, 6 बजे से एग्जाम था, सुबह से उठी है बट अभी तक सोई नहीं है, उसको नींद ही नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा चलो गाजर का हलवा खाते खाते की वजह से गाजर का हलवा खाते खाते चलो हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। जोया को भी टाइम नहीं मिला था आप लोगों से बात करने के लिए, तो फिर हम लोग गाजर का हलवा खा रहे हैं और बस फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे बिकॉज़ हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। एग्ज़ाम्स थे, फिर यही चल रहा था कुछ ना कुछ। मैं क्या कर रही थी, इसको स्कूल छोड़कर आ रहे थे शौर जी, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपना गले का इलाज करवा रही हूँ। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और जोया मैडम आप कुछ बोलेंगे तो बोल दो वरना ब्लॉग एंड करेंगे। तो मेरे पेपर्स अच्छे गए और जिन लोगों ने भी विश किया थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैंने आज ही चेक किया लाइक मम्मा के 89.5 के सब्स हो गए। यस यस, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन एक दिन था जब मैं बोल रही थी 10 के हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और आज 100 के होने आने वाले हैं। यस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चिटुकली का ये निकल गया है, ये चिटुकली अभी सोना है, वैसे भी अभी सोना है, वैसे भी ये क्या फैशन है, एक रेड बॉल लगाने का, एक पिंक बॉल लगाने का। कोई बात नहीं, हमारा फैशन है ना बेबी। और बस हम तीनों बैठे ऐसे चिल मार रहे हैं और गाजर का हलवा खा रहे हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं सब? देखिए कितना प्यार आ रहा है। कौन है अनु? वो आपी। किसकी आपी है? मेरी। अच्छी है? बहुत अच्छी है। अरे 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 अरे, बहुत ही प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। तो बस यही था, सुबह मैं उठी हूँ और आज जुमा था, कल जुमा था, फिर नमाज पढ़ी, उठने के बाद फ्रेश हुई, नमाज पढ़ी। मम्मी है तो थोड़ा लेट तक सोने मिल रहा है मुझे। मम्मा बोले कि मैं हूँ 2-3 दिन तब तक तू आराम कर ले, तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। वैसे भी उनको 6 बजे के बाद नींद नहीं आती है, वो कुछ भी हो जाए वो 6 बजे उठते ही है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि तू मत उठ, मैं जोया का सब देख लूँगी। तो 2 दिन जोया का उन्होंने ही देखा, मैं थोड़ा लेट उठ रही थी, मेरी नींद कंप्लीट कर रही थी, फिर उठी मैं, फ्रेश हो गई, नमाज़ पढ़ ली। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मैं प्रमोशन के लिए सामने आंटी के आ गई थी। और उसके बाद आई मैं वहाँ से, फिर मैंने खाना खाया, अनाया को फ्रेश करवाया और फिर उसके बाद थोड़े बहुत काम आ गए थे यहाँ वहाँ, फिर फैमिली का कुछ ना कुछ होते रहता है तो वहाँ जाना पड़ा। शौर जी वहाँ गए, फिर थोड़ा बहुत सामान लाना था घर का वो लेकर आए, वही सब चल रहा था आज दिन भर। खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था, दालचा खाना। और अभी मैंने सोचा चलो गाजर है, अब्बा ने मुझे गाजर छिलके दिए, सब वो मिक्सर में सब पीस वीस कर दिए, मैंने बना दिया फटाफट। और मैंने सोचा चलो जोया को खाना ही है, गाजर का हलवा याद ही आ रहा है तो चलो उसको दे देती हूँ। शौहर जी को भी बहुत पसंद है गाजर का हलवा, वो सुबह उठेंगे फिर खाएंगे। ओके, सो और कुछ बोलना है बेबी? बेबीज, मेरे दो दो बेबीज देखिए बैकग्राउंड में, तुम जो बोल रही थी ना तुम्हारी बातें कंटिन्यू कर रही थी और हम दोनों पीछे कुछ अलग चल रहा था। क्या चल रहा था? अच्छा तुम लोग क्या बोलेंगे बेबीज? चलो हम ना व्लॉग एंड करेंगे ये वाला, ठीक है? सो इस ये जो व्लॉग है, वंस अगेन फॉर योर विशेस एंड फॉर 89.5 के सब्सक्राइबर्स एंड मम कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। लव यू।
अल्लाह हाफिज। सॉरी इस बार आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा अनु को भी कुछ बना है, बोलो। तुम नहीं दिख रही हो, ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। हाँ करना ना भूले। वेरी गुड। ये तो मतलब दिन ब दिन उसका इम्प्रूव होते जा रहा है ना सब कुछ। ये पोनी मुझे दे दो रे छोनी। नहीं। तो हम थोड़ी सी अभी तीनों मस्ती करेंगे और फिर सो जाएंगे। और अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।